खरीदने के लिए क्या आए थे पता है? ये झाड़ू खरीदने के लिए आए थे और लेके क्या जा रहे हैं देखो, बोरी भर के कचरा निकल रहे हैं। ये देखो कचरा सेपरेट हो रहा है। देखो रॉकी भाई कैसे हो भाई? रॉकी को बांध के रखा है क्योंकि ये सोयाबीन पे जाता है, फैला देता है, नीचे गिरा देता है, तो उसको प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए रॉकी, पूरा मत मान जाना समझे। इसको ठीक से ऐसे फैलाना है थोड़ा सा, तो इससे सूख जाएगा, फिर इसको बेचना भी है 2-3 दिनों में। फादर की कल तबीयत ठीक नहीं थी, अब आता बरेक बाबा पापा जी धीरे धीरे इसको ये करते हैं। मम्मा ने अपना काम करके रखा है, काली मटकी बना दी है और मम्मी अभी खेतों में जा रहे हैं क्योंकि मूंगफलियां तोड़नी है हमें आज। और हमारे भाई साहब देखो इनका ब्लॉग एडिटिंग का काम चल रहा है आज सुबह आने वाला, अभी ये ऊपर लेके जा रहे हैं, इस पे हमें मूंगफलियां सुखानी है और मैं जो गीली मूंगफलियां इनको लेके जा रहा हूँ। ये जो अंदर मूंगफली है उनको बाहर लेके जाना है, बिछा दिया है यहाँ पे, तो इनको अभी धूप लगेगी और ये सूख जाएंगे, फिर इनको हम बोरी में भर के साल भर खाएंगे इनको। वो देखो पापा उधर सोयाबीन को सुखाने का काम कर रहे हैं, सारा काम जो है ना किसानों को एक ही टाइम पे आ जाता है, मस्त धूप के लिए यार। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। फिलहाल मैं हूं अपने घर और अभी मैं जा रहा हूं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता मतलब हमारा खाना ही होता है पूरा, तो पूरी फैमिली तो आ चुकी है हमारी खाना खाने, और हमारे भाई मोना भी आ चुका है आज। मोना क्या हाल? कुछ नहीं ठीक ठाक। और ये देखो अभी भी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मस्त अभी खाना हो रहा है, भेल है, मिसल बनाई थी हमने, उसके पाव बचे थे, तो फिर से अभी दोपहर को भी मिसल चल रहे हैं और पापा भी खा रहे हैं, मम्मी सब लोग है, तू भी है ना भाई। अभी घर वालों ने हमें एक काम दिया है, हमें इसके ऊपर लाइंस बनानी है ताकि जो नीचे वाली सोयाबीन है ऊपर आ जाए और उसको भी धूप लग जाए थोड़ी। ऐसे आगे आगे जाते रहेंगे हम, पीछे देखो कैसे लाइन बनेगी, उसमें अभी धूप चली जाएगी फिर तो वो सूख। मैं इधर कर रहा हूँ, पायल उधर कर रही है, वो आता ऐसा करने से पहले मैं जा रहा हूँ रॉकी भाई को छोड़ने के लिए। उनको खुले में रहने की आदत है पर हमारी सोयाबीन को खराब ना कर दे इसलिए हमें उनको बंद करके रखना पड़ता। ग्रैंडफादर जी भी इधर सोयाबीन को रेडी कर रहे हैं। तो गाइस हमने तो लाइंस बना दी है, रॉकी भाई मस्त खाना खा रहा है इधर। और ये देखो इसको मैं बोल रहा था दोनों साथ में मिलकर करेंगे पर ये बोल रही है मैं करूंगी आप ये करो, अभी आधा बचा हुआ है मैं तो हेल्प नहीं करने वाला। देखो अभी बहाने बना रही, बोल रही इसमें ज्यादा है ना, मतलब ज्यादा सोयाबीन है इसलिए मैं जल्दी नहीं कर पा रही हूँ, चलो जल्दी करो। अरे अरे देखो भाई आधा अधूरा छोड़ के जा रही है आज, मेरा काम था इसलिए जा रही हूँ, अभी देखो आधा छोड़ गई, मैं बोल रही मैं नहीं करने वाली इतना करके। मैं बोल रहा था पार्टनरशिप में कर लेते कर लेंगे पर नहीं। तो गाइस यहाँ पे अभी मूंगफलियाँ तोड़ने का काम चल रहा है मम्मी पापा का और हमारा डिसाइड हुआ हमें जाना है येवला दोपहर में, ये पूरी मूंगफलियाँ तोड़ने के बाद हमें जाना है। चलो भाई शुरू करते हैं अपना काम। सबसे आलसी पायल है हमारे घर में, एक काम ठीक से नहीं करती। सब लोग काम हाँ आगे आगे ब्रेक लो पॉज लो फिर बोलो। हाँ बोलो फिर। सब लोग ना मुझे काम बताते हैं, ये लाओ वो लाओ टोपी लाओ घमेले लाओ घमेले लाओ। हाँ तो ठीक है चलो लेके आओ। आपके देखो कितने हो गए। दोपहर के 1 बज रहे और हम सब लोग अभी मूंगफलियाँ तोड़ने का काम चालू है हमारा, बहुत ज्यादा धूप हो रखी। मम्मी पापा ने एकदम हमारी छुट्टी का एकदम पूरे पूरे इस्तेमाल किया है और ग्रैंडफादर भी आ चुके हैं, स्लाइस वाला पानी। सुनील और पायल जो हमारे घर के दोनों नाजुक मेंबर है एकदम, उनको छाव में जाना होता है, उनको धूप में काम नहीं होता है, तो ये अपना इधर से मूंगफलियाँ उठा के उधर पेड़ के नीचे लेके जाते हैं। एक बात बताओ मुझे, धूप में बैठने से तुम्हारी क्या है, जल्दी जल्दी हो रहा है कि हम छाव में कर ही रहे हैं ना। तो गाइस फाइनली सारी मूंगफलियाँ तोड़ के हो चुकी है और इनका बाकी है, मम्मी और पापा का भी हो गया है। तो गाइस अभी हम खाना खा रहे हैं, मेरा ब्लॉग चल रहा है टीवी पे, मम्मी पापा बैठे हैं और मम्मी पापा की नोक झोंक चल रही है क्योंकि पापा हम मम्मी को बोल रहे की वो काली सब्जी खाओ, मम्मी बोल रहे मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मम्मी का एसिडिटी होती है और पापा मान ही नहीं रहे और मेरी धर्म पत्नी जी देख।
चलो अभी ये जो मूंगफली है इसको ऊपर लेके जाना है, जो घर पे हमने सुखाया ना सुबह, उसके पास लेके जाना है इसको। कम ऑन अमरेंद्र बाहुबली। बहुत टिकट है, हाथ बाजू लगे हम जा रहे हैं येवला, मैं और सुनील। हमें एक काम है, वो आपको येवला जाके पता चल ही जाएगा। चले फटाक से येवला जाके आते हैं। आता दुसऱ्या गेअरवर असती एवढी रेस झाली नसती, बरोबर पुढे गेली असती। तू शिकून माहिती अब बोल छोटे, अब बोल, पहुंच गए ना इधर। फाइन, कैसी गाड़ी चलोली, कैसी गाड़ी चलाई मैंने? बहुत अच्छी। 10 रुपए मिल जाएंगे तुमको बाकी। ठीक है, चालू मजे से। तो गाइस अभी एंटर हो रहे हैं हम पैठनी खरीदने के लिए। पिछली बार भी जब आए थे मैं और पायल, तो हम यहीं से पैठनी खरीद के लेके गए। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे तो घाघरा रखे है शादी के लिए। किसकी शादी है, तो आ जाओ भाई। आप नीचे बैठ गए, अभी आराम से इत्मीनान से देखते पैठनी कौन सी खरीदनी है। आप इतने कलर डाल दिए देखो भाई, यहाँ पे भी तो ये लोग साड़ी देख रहे हैं। मैं तब तक आपको मशीन दिखाता हूँ जहाँ से पैठनी साड़ीज बनते हैं। ये है वो मशीन जिससे पैठनी साड़ी बनाई जाती है। जो पैठनी साड़ी बनाने का काम करते हैं वो यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, जो सूत होता है ना, धागे होते हैं ना, उससे ऐसे सकते हो धागे। इसको ऐसे खींच खींच के बनाया जाता है, ये होता है ना, इसको खींचा जाता है। यहाँ पे अलग अलग तरह के धागे हैं जो इसमें ऐसे बुने जाते हैं। और ये देखो टेक्स्चर बन चुका है साड़ी का, तो ये यहाँ तक बनी है। अब जितनी लेंथ चाहिए उतने तक वो ऐसे हाथ से करते रहते हैं। और इन साड़ीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ये जो हैंडमेड होते हैं ना साड़ी, इनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। मतलब आप सोच सकते, आप बनवा के ले सकते हैं कस्टम मेड। कुछ कुछ लोग तो वो जो सोना नहीं होता उसके भी मतलब थ्रेड्स लगाते हैं उन साड़ीज़ में, तो मतलब बहुत प्राइस बढ़ जाते हैं। आप कितने भी आपके शौक से आप ले सकते हो, पर नॉर्मली ऐसे हाथ से बनाई हुई साड़ी आपको आराम से 15-1 हज़ार में पड़ जाएगी। देखो यहाँ पे एक मशीन है और यहाँ पे एक मशीन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया येवला बहुत फेमस है पैठनी साड़ीज़ के लिए, और जो हाथ से बनी पैठनी है वो उसका ट्रेडमार्क। अभी तो मशीन आ गए। अभी का सीन ये है, इन्होंने बहुत सारी साड़ीज देख ली और इनको कुछ भी पसंद नहीं आया है, तो अभी नेक्स्ट दुकान में जा रहे हैं। कैसी साड़ी खरीदने पायल, एक बार बता दो। अरे हमें नहीं पता। अम्मा कैसे साड़ी खरीदने? अरे कड़क मार। अभी हम जा रहे हैं दूसरे दुकान में, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पैठनी पसंद नहीं आई। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भांडगे पैठनी। चलो गाइस पहुंच गए एक दुकान में। चलो भाई एंटर हो रहे हैं, अभी देर में आते हुए चप्पल बाहर निकालनी पड़ रहे है भाई। चलिए भाई, कब खत्म होगी इनकी शॉपिंग पता नहीं। पूरा दुकान भरा हुआ है भाई, दिवाली को अभी 15 दिन बाकी है। बैठ गए भाई, देखते कब फाइनल होती है सारी। कैसी मम्मा ये साड़ी? तो भाई कितनी साड़ी है इधर बिछा दी है। येवला में ना आपको 100 मीटर पे एक पैठनी का दुकान मिल जाएगा। हर एक दुकान में अलग अलग तरह की पैठनी मिलेगी। जो हैंडमेड होते हैं ना वो काफ़ी फेमस है, पर अभी काफ़ी रेडीमेड पैठनीज भी आने लगी है मार्केट में। तो आपको बहुत सारे दुकान, बहुत सारी वराइटीज़ मिल जाएंगी और अच्छे अच्छे पैठनी के दुकान मिलेंगे आपको येवला में। हमें टोटल 10 पैठनी खरीदने। घर से एक साड़ी लाई थी तो मम्मी उनको पूछ रहे ऐसी मिलेगी क्या इधर। साड़ी लाई थी ना उसके जैसे साड़ी लाए। तो गाइज एक साड़ी का पैटर्न फाइनल हुआ है और हम सारी साड़ीज उसी पैटर्न में खरीदने वाले हैं। तो गाइज हमारे साड़ीज तो फाइनल हो चुके हैं, ये 10 साड़ीज लिए हमने। तो गाइज यहाँ से जो साड़ीज लेने थी हमने फाइनल कर लिए। साड़ीज इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमारी सारी सिस्टर वगैरह आएंगी, हमारी चाची वगैरह को भी हमें देनी है साड़ी। हर दिवाली देते ही भाऊबीज होता है ना, तो उसके लिए देना पड़ता है। अभी इधर बैठ के खरीदे होंगे। और मुझे हेयर कट और बियर्ड कट करने की सख्त ज़रूरत है। ये जो दुकान है ना पैठनी का, इसको 5 राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुके हैं, काफ़ी फेमस है। मतलब अभी यहाँ पे साड़ीज देख रहे हैं, अभी यहाँ पे बिलिंग हो रही है और हमें हमारा फाइनल हो चुका है। जितने साड़ीज लेने थे सब ले लिए हमने, अभी इनको पैक किया जाएगा। तो सभी बक्सों में एक एक पैठनी पैक हो जाएगा। तो गाइज फाइनली सारी साड़ीज इधर अंदर डाल दी है हमने, जितनी भी लेनी थी हमें। अरे पायल देना वो साड़ी पीछे डालना, किधर? टेलर के पास जाना है भाई, अभी सिलने को जाने वाला है डायरेक्टली। साड़ी खरीद ली और ऊपर ही बुलाए पैसे वैसे पे करके नहीं, मतलब नहीं, देखो नहीं, नहीं, फिर घर से लाई थी ना जो टेलर। हाँ हाँ हाँ, मतलब इन्होंने क्या किया था, घर से साड़ीज लाई थी इनको, अभी ब्लाउज वगैरह सिलवाने है ना, ऊपर ही भूल गई मम्मी बैग। अच्छा
तो ये हमारी कार देखने आए, इनको लेनी है शायद क्रेटा। हाँ आप भी आ जाओगे हमारे अभी YouTube चैनल पे। गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, हमारी सब शॉपिंग वगैरह हो चुकी है। दुकान का नाम बता दो आपको, भांडगे पैठनी है। 5 राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुके हैं पैठनी साड़ीज बनाने के लिए। और ऐसे येवला में बहुत सारी दुकान है, बहुत ही फेमस है, और जो रिप्रेजेंट करते हैं येवला को कि पैठनी एक ब्रांड है जो मतलब येवला के नाम से पहचाना जाता है। तो अभी आते हो येवला तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि इसी दुकान में आओ, आप किसी भी दुकान में जा सकते हो, आपको अच्छी पैठनी मिलेगी। तो गाइस इनको गाड़ी लेनी तो बहुत सारी चीजें जान रहे, हम भी ऐसे करते थे। हमारी सोसाइटी में सेम कार थी तो हम वैसे घूम रहे थे, तो मैंने मम्मी को और पायल को बिठा दिया था, तो हम समझ सकते हो फीलिंग की जो गाड़ी लेने वाले उनको बहुत क्यूरियसिटी रहती। तो गाइस मम्मी और पायल जा रहे हैं ब्लाउज सिलवाने के लिए, उनको ट्रेलर के पास लेके जा रहे हैं। ये देखो ये बच्चे फटाके लगा रहे हैं यहाँ पे रास्ते में, फटाके लगा रहे और देख रहे कोई किसके साथ फटता है। उधर मत खेलो रे, बाहर इधर लगाओ, रास्ते में मत लगाओ। देखो भाई अभी लगा के भागो 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 फटेगा क्या, नहीं ये दूसरा अटेम्प्ट है। ओ भाई डरा दिया रे बच्चों को देख के, बचपन की आदत ताज़ा हो गई भाई। पर मुझे फटाके इतना फोड़ने का शौक नहीं है, सुनील और वैभव और सचिन बहुत फटाके फोड़ते। चलो गाइज निकलते हैं अभी। गाइज अभी यहाँ पे झाड़ू लेने के लिए रुके हैं, कोई तो झाड़ू लेना है इन लोगों। ये देखो भाई कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे, अभी यहाँ पे मस्त शॉपिंग हो रही है, क्या लेना है पता नहीं। सब दिवाली का ले रहे हैं हम यहाँ पे, इतना सब सामान पैक हो चुका है। खरीदने के लिए क्या आए थे पता है, ये झाड़ू खरीदने के लिए आए थे और लेके क्या जा रहे हैं देखो, बोरी भर के निकलते हैं अभी घर। तो अभी पानी पूरी खाने के लिए रुके यहाँ पे, दादा 4 पानी पूरी बनवा। तो गाइस हमारी पानी पूरी रेडी है, मम्मा कैसी है, सही है ना। तो ये देखो आत्या को आगे बैठा है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ पहली बार। पहली बार मतलब मम्मी के साथ। हाँ बस हाँ घर से निकलते टाइम और आप गाड़ी चला रहे हो, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है मुझे। डांट खाते 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 तक आ गए थे, डांटने वाले प्रो लेवल के ड्राइवर सुनील भाई। इतना डांटता है, इतना चिढ़ता है, इतना चिढ़ता है, बहुत गुस्सा गुस्से वाले आदमी हो जाता है, मतलब एकदम वो हल्का गुस्सा आता है उसको। लाइट्स बंद करो, खाना खा रहा है और खाने में बना है बेसन रोटी। क्यों हंस रहा है भाई होता है भाई मेरा कभी कभी जुबान से निकलता ही नहीं शब्द। और गाइज हमने आज जो मॉल में शॉपिंग की ना, 2000 के ऊपर शॉपिंग करो और आपको एक सीक्रेट गिफ्ट मिलेगा। हमारे 2-400 रुपए कम हो रहे थे, हमने और ज्यादा शॉपिंग कर ली। गिफ्ट मम्मी खोलो जल्दी, क्या है उसमें बताओ। ट्रे है, ट्रे कैसा है, ठीक है ना। सुनील की वेट हो रही है अभी, पायल तो ऊपर जा चुकी है सोने के लिए, क्योंकि पायल को ना वो कार में थोड़ी सी उल्टी जैसा होता है, उसको मोशन सिकनेस होता है शायद। हाँ तो वो तो सोने के लिए चली गई है, तो अभी हम ब्लॉग को एंड कर देते हैं। सुनील आ चुका है, तो गाइस इसी नोट पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आज के दिन में आपने देखा हमने क्या क्या नई नई चीजें की, इधर गए उधर गए घूमे, और मैंने आज स्पेसिफिकली मैंने घर से भी गाड़ी चला के लेके गया और वहां से भी चला के लेके आया, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। हम मम्मी को भी आगे बिठा दिया था भाई, अपना सपना छोटा सा सपना था वो पूरा हो गया। हाँ मम्मी भी डरी नहीं, तो जिंदगी मतलब ठीक ठाक चल रही है अभी। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग्स, बाय बाय। भाई ये देखो यहाँ पे मैं मुंह फूले तोड़ रहा था, यहाँ पे एक ये आ गया, देखो मेंढक आ गया मेरे ऊपर चढ़ गया था भाई, मैं डर गया था इसको। ए भाई निकल इधर से, मेरे को काम है अभी, जा। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.